नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर्ण मोटी महाविद्या मंत्र की चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यह प्रत्येक प्रकार के कार्य के लिए यह मंत्र का उपयोग क्यों किया जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार यह मंत्र बहुत ही तीव्र व शक्तिशाली माना जाता है। एक ही मंत्र का उपयोग सभी प्रकार के कार्य में किया जाता है, फिर चाहे वो आकर्षण हो, चाहे विद्वेषण हो, उच्चाटन हो या चाहे स्तंभन हो, यानी सभी प्रकार के कार्य में इस मंत्र का उपयोग किया जाता है। लेकिन साथ में यह भी कहा गया है कि बिना उचित कारण के व स्वार्थ के तहत इस मंत्र का उपयोग करने से लाभ की जगह पर हानि होने की संभावना बनी रहती है। अगर आप कुछ समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि घर परिवार में क्लेश हो, प्रॉपर्टी से संबंधित वाद विवाद चल रहा हो, दुकान व्यापार अचानक ठप हो गए हों, दुश्मनों की संख्या बढ़ रही हो, घर परिवार में अकाल मृत्यु व आत्महत्या हो रही हो, लड़के लड़कियों का विवाह न हो पा रहा हो, परिवार में कोई भी शुभ कार्य न हो पा रहा हो, कर्ज तेजी से बढ़ रहा हो, शत्रु नित नई नई साजिशें रच रहे हों, घर में कोई न कोई बीमार बना रहता हो, घर मकान में दरार आ गई हो, संतान किसी का कहना नहीं मान रही हो, या फिर जीने मरने की नौबत आ गई हो, तभी इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। आइए जानते हैं इस मंत्र का गोपनीय अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी लाल आसन पर बैठ जाएं। कुछ लोग जमीन पर बैठ नहीं सकते तो वे किसी कुर्सी पर या सोफा पर लाल कपड़ा बिछाकर बैठ जाएं। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस लें और छोड़ें। इस तरह से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, फिर अपने मणिपुर चक्र में यानी छाती के नीचे व नाभि के ऊपर ध्यान देते हुए कर्ण मोटी का गोपनीय मंत्र ओम ह्रीम कर्ण मोटिनी बहुरूपे बहुदृष्टे हुम फट हुम ह हुम ग्रस ग्रस क्रंथ क्रतच्छक हुम फट नमः। ओम ह्रीम कर्णमोटिनी बहुरूपे बहुदृष्टे हुम फट हुम ह हुम ग्रस ग्रस क्रंथ क्रतच्छक हुम फट नमः। इस मंत्र का उपांशु जप करें, यानी बुदबुदा कर जाप करें। इस मंत्र को 15 मिनट तक रोज जाप करना है। इस तरह से इस मंत्र को 41 दिन तक ले जाना है। इस मंत्र को किसी भी माला से या बिना माला के भी जप कर सकते हैं। याद रखें, सिर्फ आपको 15 मिनट तक जप करना है। आप अपने लाभ के अनुसार इस मंत्र की समय सीमा को बढ़ा भी सकते हैं। यह अभ्यास कुछ दिन तक यानी 41 दिन तक करने के बाद आपके मस्तिष्क व शरीर के सभी भाग पर सही तरीके से ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है और आपको आश्चर्यजनक अनुभव होने लगते हैं। यह अभ्यास आप तब तक चालू रख सकते हैं जब तक कि आपको आश्चर्यजनक परिणाम दिखाई देने न लगे। इस मंत्र से अनेकों लाभ मिलते हैं, जैसे कि घर में किया हुआ तंत्र प्रयोग नष्ट हो जाता है, दुकान व्यापार में किया गया स्तंभन प्रयोग नष्ट होने लगता है, घर दुकान का वास्तु दोष नष्ट हो जाता है, वंश दोष समाप्त होकर वंश वृद्धि होने लगती है, परिवार में शुभ कार्य होने लगते हैं, नजर तंत्र बाधा तथा सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होने लगती है। अब कुछ जरूरी नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है तथा अत्यधिक गुस्सा आता है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर ही अभ्यास करें व मन पर पूरा नियंत्रण रखें। इसका अभ्यास किसी भी मंगलवार, शनिवार, ग्रहण या किसी भी पक्ष की त्रयोदशी से शुरू कर सकते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं या विद्यार्थी हैं या गृहिणी हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा कोयला चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है।
महिलाएं मासिक धर्म की वजह से 3-4 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं तो तुरंत कोई ना कोई अड़चने आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास शुरू करें। इस मंत्र को शाम को यानी सूर्यास्त के बाद जपना ज़्यादा सफल माना जाता है। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन तथा मांसाहार से अवश्य बचें। इस मंत्र को आप अपने घर के मंदिर में या किसी भी शांत स्थान में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रुली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रुली मुद्रा क्या है व इसका अभ्यास कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप इन नियम को अपनाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योगाश्रम अलग अलग शहर में 2 दिन का कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, इसलिए आप अगर अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप अपने शहर के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा 2 दिन का हिप्नोटिज्म का भी शिविर पूरे भारत में आयोजित किया जा रहा है। अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप अपने शहर के लिए बुकिंग कर सकते हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था या योगा केंद्र जो चला रहे हैं वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।